भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम अलग अलग देश इस वक्त कोरोना की वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि भारत दुनिया में 60% वैक्सीन का उत्पादन करता है। सिर्फ यही नहीं, इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भारत में इस वक्त फाइजर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जैसी अलग अलग वैक्सीन कैंडिडेट इंतजार कर रहे हैं, और ऐसे में कुछ ही हफ्तों में भारत को एक नहीं, दो नहीं या शायद तीन वैक्सीन एक साथ उपलब्ध भी हो जाए। लेकिन किस तरीके से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन मिलेगी? आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक जिस राज्यों में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी हैं, और ऐसे लोग भी हैं जहां पर 50 साल से कम उम्र होने के बावजूद भी लोगों को दो अलग अलग बीमारियां हैं, उसे सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जाएंगी। न्यूज तक आपको पहले ही बता चुका है कि राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत अलग अलग राज्यों में केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन लोगों को देगी, लेकिन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इस बात की पुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में किस राज्यों में सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, वैक्सीन के आवंटन और वैक्सीन को किस तरीके से बांटा जाएगा, आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के रहने की। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र है जहां पर हाइपरटेंशन के सबसे ज्यादा मरीज रहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल है जहां पर डायबिटीज से संक्रमित लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी रहते हैं, और वहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कि 50 साल से कम उम्र के हैं लेकिन उन्हें दो बीमारियां एक साथ है, यानी कि उन्हें हाइपरटेंशन भी है और डायबिटीज भी है, या फिर कोई दूसरी दो अलग अलग बीमारियां हैं। तो ऐसे में टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के मुताबिक उसे ही सबसे ज्यादा वैक्सीन दी जाएंगी डोजेज जहां पर इस तरह के केसेस हैं। आपको बताते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों में वैक्सीन्स आवंटित की हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि केंद्र सरकार वैक्सीन के आवंटन और लोगों को लगाने पर क्या कुछ कह चुकी है। दरअसल चार अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें पहला ग्रुप यानी कि पहले वैक्सीन उन लोगों को लगेगी जो कि हेल्थ वर्कर्स हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, इसके अलावा नर्सेज हैं, या फिर वो लोग हैं जो कि कोरोना मरीजों के सबसे ज्यादा पास में रहते हैं हर रोज। दूसरा ग्रुप वो है जो कि एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, या फिर हमें उन्हें हेल्थ वर्कर्स के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स कहते हैं, जिसमें कि पुलिस शामिल है, सेना शामिल है, या फिर वो लोग शामिल हैं जो कि कोरोना मरीजों के लिए एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तीसरा ग्रुप वो है जो कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं और वो आम नागरिक हैं। और चौथा ग्रुप वो है जो कि 50 साल से कम उम्र के लोग हैं लेकिन वो दो अलग अलग बीमारियों से एक साथ जूझ रहे हैं। वो हाइपरटेंशन भी हो सकता है, वो किडनी की बीमारी भी हो सकता है, वो इसके अलावा डायबिटीज भी हो सकता है, लेकिन वो लोग जो कि 50 साल से कम उम्र के लोग हैं लेकिन दो अलग अलग बीमारियों से एक साथ जूझ रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार ने इन्हें प्रायोरिटाइज किया है, यानी कि इन्हीं लोगों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। न्यूज़ तक आपको पहले ही ये बता चुका है कि हर इंसान को जिसको भी वैक्सीन लगेगी उस पर 30 मिनट खर्च किए जाएंगे ये देखने के लिए कि अगर उस इंसान को वैक्सीन लगती है, उस शख्स को वैक्सीन लगती है, तो उसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कतें या फिर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं, और इसी हिसाब से हर शख्स को वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन किस राज्य को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी, इस वीडियो में समझ लीजिए। सरकार देश की 19.5% आबादी जिनमें 50 प्लस उम्र वाले लोग हैं उन्हें वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि 50 से कम उम्र वाले एज ग्रुप में 1 करोड़ हेल्थ स्टाफ और 4 करोड़ डायबिटिक्स के अलावा 26.5 करोड़ लोग शामिल होंगे। कोविड वैक्सीन का वितरण उन राज्यों में ज्यादा होगा जहाँ बुजुर्गों की आबादी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में केवल 15% आबादी ही 50 साल से ऊपर है, लेकिन वहां की जनसंख्या इतनी है कि उसे सबसे ज्यादा वैक्सीन सप्लाई होंगी। इसके बाद सबसे ज्यादा 50 प्लस आबादी वाले राज्यों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार का नंबर आता है। हालांकि जिस राज्य के लोगों को वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है केरल। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का डेटा बताता है कि केरल की 25.3% आबादी डायबिटीज और 13.7% आबादी हाइपरटेंशन की शिकार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के डेटा के आधार पर प्रकाशित एक ताजा रिसर्च पेपर के मुताबिक देश में 50 साल से कम उम्र वाले करीब 6.5% लोगों को डायबिटीज है। अभी नए सर्वे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, पंजाब और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों का डेटा नहीं आया है। ऐसे में यहाँ हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कितने मरीज हैं ये नहीं पता है। ये डेटा आने के बाद वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर स्थिति और साफ हो जाएगी।
हालांकि न्यूज तक आपको पहले ही बता चुका है कि केंद्र सरकार ने एक तरह की स्ट्रेटजी बना दी है जिसके मुताबिक अलग अलग राज्यों को किस हिसाब से वैक्सीन की डोजेस देनी है ये तैयार कर लिया गया है। आपको ये भी बताते चले कि फिलहाल जब तक वैक्सीन नहीं आती है आपको क्या करना है, आपको मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।